दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल अकाउंट बना सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर में, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर एक नई ईमेल आईडी यानी कि जीमेल अकाउंट बनाना, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से एक नई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये गूगल नाम का ये जो फोल्डर होता है, ये गूगल नाम के फोल्डर को इस तरीके से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस गूगल नाम के फोल्डर को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखें, जीमेल करके ये ऐप है, तो ये जो जीमेल वाली ऐप है, हमें इसको ओपन करना है टच कर कर। जैसे ही आप यहाँ पर इसको ओपन करोगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर देखें, राइट साइड में ऊपर की तरफ ये प्रोफाइल का आइकन होता है सर्कल, इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आएगा। नीचे की तरफ देखिए, लिखा है ऐड अनदर अकाउंट, तो ये जो ऐड अनदर अकाउंट लिखा है, आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे, सेटअप ईमेल करके इस तरीके का ये पेज आएगा। अब हमें यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो गूगल है, इस पर टच करना है, क्योंकि हम गूगल अकाउंट बना रहे हैं यानी कि जीमेल आईडी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम गूगल पर बना रहे हैं, इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से चेक इन करके आएगा। आपने आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई पैटर्न पासवर्ड वगैरह लगाया है तो वो यहाँ पर आप डाल दोगे, और फिर इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ये पेज आएगा। अब जैसे ही देख रहे हैं आप, इस तरीके का ये पेज आ चुका है। तो नीचे की तरफ देखिए, क्रिएट अकाउंट करके ये ऑप्शन मिलता है नीचे, तो ये जो क्रिएट अकाउंट लिखा है लेफ़्ट साइड में, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, फॉर माय पर्सनल यूज़, फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है, फॉर माय पर्सनल यूज़, तो आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, क्रिएट अ गूगल अकाउंट, एंटर योर नेम। अब नेम में फर्स्ट नेम है और सरनेम है। सरनेम यहाँ पर देखिए ऑप्शनल लिखा है, आप अपना नाम जो भी है वो डाल सकते हैं। सरनेम अगर आपको ऐड करना हो तो करें, और नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नाम डाल देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये नाम ऐड कर लिया है। सरनेम डाल दीजिए, इस तरीके से देखिए यहाँ पर नाम मैंने डाल दिया है, सरनेम भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला बटन है, नेक्स्ट नीले कलर से, इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन का ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है ऊपर की तरफ में, और नीचे जेंडर दिया है, तो यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और जेंडर, मेल है या फीमेल है, वो डालना है। तो हम पहले डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपका डे जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नीचे जेंडर लिखा है, इस पर टच करना है ये एरो पे। जैसे ही आप टच करेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं आप, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैं मेल पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि डाल दी है, जेंडर भी यहाँ पर एंटर कर दिया, मेल फीमेल जो भी हैं आप वो कर दें। नीचे लिखा है नेक्स्ट, नीले कलर से, नेक्स्ट पर टच करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर टच करेंगे, यहाँ पर आपको आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, जीमेल एड्रेस, वो यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आप एक यूनिक सा बनाएं, क्योंकि करोड़ों लोग आपसे पहले आपसे नाम से भी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जैसा मैं कर रहा हूँ सेम वैसा करिए, तो एक बार में ही बन जाएगा। यहाँ पर कुछ रेड कलर से एरर आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनाइए जैसा मैं बना रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है, और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस बनाते समय आपको यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। बिना स्पेस के इस तरीके से यहाँ पर पहले आप अपना नाम लिख दीजिए, इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर के 6 डिजिट डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना नाम डाल दिया है, जिस नाम से मैं बना रहा हूँ। इसके बाद में मोबाइल के 6 अंक डाल दीजिए,
और यहाँ पर आपका सरनेम डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम है, सब कुछ बिना स्पेस के है, नाम है, मोबाइल नंबर के 6 अंक मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर सरनेम ऐड किया है। इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में ही बन जाएगी आपकी ईमेल आईडी। यहाँ पर लाल कलर से रेड कलर से कोई एरर नहीं आएगा। देखिए मैं नेक्स्ट करूँगा, ये नेक्स्ट इजीली हो जाएगा। ये देखिए ये एड्रेस बन गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों में होगा, कुछ स्पेशल करेक्टर भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्टार हैज वगैरह, ये सब लगाकर एक स्ट्रॉन्ग सा आपको पासवर्ड बना लेना है। तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं, आप भी यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये पासवर्ड बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट और नंबर में इस तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है शब्दों में और अंकों में, और यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है नीले कलर से। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे इस तरीके का पेज आएगा। आप देखिए नीचे की तरफ लिखा है येस आई एम इन, इस तरीके से है, नीचे करेंगे येस आई एम इन करके है, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके से दिखाएगा रिव्यू योर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपने आपका जो नाम है वो दिखाया जाएगा, आपने जो ईमेल एड्रेस बनाया है जो कि मैंने आपको बताया था, नाम और आपका 6 अंकों का मोबाइल नंबर और अपना सरनेम ऐड करके @gmail.com करके जो हमने बनाया है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। रिव्यू कर लें, देख लें, तो यहाँ पर हमने देख लिया है। और इसको दोस्तों आप ये जो ईमेल एड्रेस है जो बनाया है इसको कहीं पर आप लिख कर रख लें, और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो भी कहीं पर लिख कर रख लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे फ़ोन में या फिर हम अपने इसी फ़ोन में अगर ईमेल आईडी खोलना चाहें तो आप इसी ईमेल आईडी को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ये एक बार ईमेल आईडी आपने बना ली तो ये आपके हमेशा काम में आती रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं पर लिख कर आप रख लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, नेक्स्ट पर आपको इस तरीके से टच करना है, नीले कलर का जो लिखा है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पर टच करेंगे प्राइवेसी एंड टर्म्स का ये पेज आएगा, इसको नीचे की तरफ आपको जाना है। आई एग्री का बटन है, आई एग्री पे आपको टच करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे टच करेंगे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ये गूगल सर्विसेज करके ये पेज लोड होगा, और यहाँ पर ये जो आईडी है ईमेल आईडी यानी कि जीमेल अकाउंट जो हमने नया बनाया है ये बनकर तैयार हो गया है। अब बनकर तैयार हो गया वो आप किस तरीके से देखेंगे, ये जो प्रोफाइल का आइकन है इस पर टच करना है। अब देखिए जो हमने एक नया ईमेल आईडी ऐड किया है वो यहाँ पर आपको लास्ट में दिख जाएगी। देखिए ये जो नाम से हमने बनाई है ये यहाँ पर लास्ट में दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी एक नई ईमेल आईडी बना सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर में, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।